सुंदरनगर के गणपति बप्पा मोरिया के द्वारा गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कई कलाकार और गायक इसमें अपनी प्रस्तुति पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में सुंदरनगर के विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां देकर अपने दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर पूर्व CPS सोहनलाल ठाकुर विशेष अतिथि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मॉडर्न पब्लिक स्कूल के बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर सबका मन मोह लिया और बाह-बाही लूटने में कामयाब हुए। भारत सरकार द्वारा एपिडक के माध्यम से ऊपरी शिमला के बागवानों को सेब की आधुनिक विधि से ग्रेडिंग पैकिंग सुविधा के लिए ओडी में संयंत्र स्थापित किया गया है, ताकि लोगों का सेब आसानी से समय पर मशीनों की सहायता से ग्रेडिंग पैकिंग हो और बाजार में सेब के उचित दाम मिल सकें। लेकिन संयंत्र पिछले काफी वर्षों से मामूली तकनीकी खराबी के कारण ठप पड़ा है। इस बार बागवानों ने स्वयं प्रयास कर संयंत्र का कुछ हिस्सा ठीक भी करवाया है, लेकिन HPMC प्रबंधन की ओर से संयंत्र में सेब ग्रेडिंग और पैकिंग का काम करने के लिए ठेका प्रक्रिया ही पूरी नहीं की गई। बागवानों का आरोप है कि सेब सीजन समाप्त होने की कगार पर है, लेकिन अधिकारियों की उदासीन रवैये के कारण ठेके का टेंडर प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जो कि औपचारिकताएं सेब सीजन से पहले हो जानी चाहिए थी। ऐसे में सेब बागवानों को अतिरिक्त धन खर्च करके स्वयं ये सारा काम करना पड़ रहा है। इस संयंत्र में रोज 2000 से अधिक पेटी ग्रेडिंग पैकिंग की होती थी। उनका आरोप है कि HPMC ने जो इस बार सेब कर्टन सप्लाई किए हैं, वो बिल्कुल निम्न स्तर के हैं। उसमें सेब भर कर लंबी दूरी तय नहीं कर पा रहा है। कुमार सेन के निवासी सुभाष गौतम ने बताया कि इस बार बागवानों को ज्यादा समस्या रही, जबकि यहां HPMC का करोड़ों का ग्रेडिंग पैकिंग संयंत्र है। मुख्य कारण ग्रेडिंग पैकिंग के लिए HPMC द्वारा टेंडर प्रक्रिया समय पर ना करना है। अब तक अगर संयंत्र काम कर रहा होता तो करीब 50,000 पेटी सेब यहां ग्रेडिंग पैकिंग द्वारा की जा सकती थी। अब लोगों को स्वयं मजदूर लगा कर ये करना पड़ रही है। वहीं नरेंद्र सिंह का कहना है कि संयंत्र में उन्हें उलझनों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रेडिंग पैकिंग के लिए लेबर संयंत्र में नहीं है। दूसरा, MIS का बोरी सेब 10 से 5 बजे तक ही लाने की सुविधा है। बागवानों को MIS के इस सेब को यहां लाने में समय की पाबंदी भी झेलनी पड़ रही है। 5 बजे के बाद बोरी सेब पहुँचता है तो उसे वापिस कर दिया जा रहा है। वहीं विनोद कुमार ने बताया कि HPMC की हालत देखकर दुख हो रहा है। एपिडा के सहयोग से करोड़ों के मशीनें बागवानों की सुविधा के लिए स्थापित की गई थी। प्रबंधन की लापरवाही से 4 साल से संयंत्र खराब पड़ा है। संयंत्र स्टाफ की सहायता से बागवानों ने विदेशों तक संपर्क स्थापित कर मशीन को चलवाने लायक तो बनाया है, लेकिन संयंत्र के ग्रेडिंग पैकिंग के टेंडर प्रक्रिया समय पर नहीं की गई। उन्होंने बताया कि संयंत्र की दशा खराब है, मशीनें बेकार होती जा रही हैं, सेब कटर भी HPMC का घटिया है। HPMC प्रबंधन उदासीन पड़ा हुआ है। जो मैं कल जब से मशीन लगी वो चलाई नहीं, ठीक है नहीं, और साथ में कुछ एक बेल्ट या बेरिंग्स इसके चेंज होने थे। लेकिन HPMC की हालत ये है कि इस मशीन को हमने तकरीबन 12 या 15 जुलाई के बीच ठीक कर दिया था, थोड़ा बहुत चलने लायक, और कुछ एक जो उसके स्पेयर पार्ट्स पड़ने थे हमने GM को और RM की नोटिस में भी लाए थे। इन्होंने ना बोला और ना ही तो पैकिंग ग्रेडिंग के इन्होंने कोई टेंडर्स करवाए। टेंडर फॉर्मेलिटीज इनकी शुरू होती हैं 7 अगस्त के बाद, और जबकि सेब सीजन शुरू हुआ था 12 से 15 जुलाई। इलाके का कम से कम 80% सेब खत्म हो गया हुआ है और अभी तक इसके कोई भी टेंडर्स नहीं हुए। आप देख रहे हैं ग्रोवर्स की हालत कि मशीन पे अपने लोकल मैनेजर की हेल्प से और जो यहाँ पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट के जो एम्प्लॉइज हैं। PG कॉलेज सोलन में आपके सामने जो पुतला जल रहा है ये भाजपा प्रदेश सरकार का है और इसे
किसी विपक्षी दल के विद्यार्थी संगठन ने नहीं बल्कि भाजपा के ही छात्र संगठन एबीवीपी ने इस घटना को अंजाम दिया है। यही नहीं, एबीवीपी ने गेट को बंद कर दिया और किसी भी छात्र को कॉलेज में जाने नहीं दिया। अन्य छात्र संगठनों ने इसका विरोध किया तो कॉलेज में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। बात हाथापाई तक पहुंच गई। कॉलेज प्रशासन ने तुरंत पुलिस को बुलाया और गेट को खुलवाकर मामले को शांत किया। आपको बता दें कि एबीवीपी लगातार छात्र संघ चुनावों की मांग कर रही है, लेकिन भाजपा सरकार उनकी इस मांग को बिल्कुल अनसुना कर रही है। यही वजह है कि एबीवीपी और प्रदेश सरकार के बीच बेहद ठंड चुकी है और उनका कहना है कि अगर उनकी बात सरकार ने नहीं मानी तो वे और भी उग्र आंदोलन करेंगे।